ये ओजोन मशीन है, इस मशीन से हम स्किन और हेयर का ट्रीटमेंट पार्लर में देते हैं। ये ओजोन रे होता है सब रॉड्स के अंदर में, सब इलेक्ट्रोड्स कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का रॉड है इसीलिए इसको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड का ये डायरेक्ट मशीन में ऐसे लगेगा टूट जाएगा, इसीलिए ये कुशन होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर में दो आपको वायर आते हैं, एक वायर यहां से जो निकला है ये मैं दिखा रही हूं आपको, ये जो रॉड है ये वाला रॉड इसके साथ कनेक्टेड है। इसका काम क्या है, इसके साथ हमारा इलेक्ट्रोड लगता है। कैसे लगता है मैं अभी करके बताती हूँ। दूसरा जो आपका लाइन निकला है, ये लाइन जो आता है ये प्लग है। कभी भी आपको इसमें वार्निंग ये है कि आप इसको ऑन करके प्लग लगा के इसको मत डालिए, नहीं तो क्या होगा, स्पार्किंग होगा। आपको क्या करना है कि आप पहले इसको लीजिएगा, ये हो गया मशरूम इलेक्ट्रोड या सरफेस इलेक्ट्रोड, इसको इसके जो मुंह है इसको इसके साथ में कनेक्शन लगा के ऐसे, फिर हम चेक करेंगे निकल तो नहीं रहा, ये टक से कवा जाता है, देन ये पक्का हो गया। अब ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये प्लग को लगाएंगे, प्लग लगाने के बाद इसको ऑन करेंगे, देन रेगुलेटर घुमाएंगे। इसका इस्तेमाल फेस के लिए होता है, फेस में पिंपल्स है, एक्ने है, सबोरिया स्किन है या फिर पिगमेंटेशन है, स्किन से रिलेटेड फेस का जो भी प्रॉब्लम होता है हम ये मशरूम इलेक्ट्रोड के साथ करते हैं। अब देखिए इसका कैसा, आप जब हो जाएगा निकालेंगे भी तो एक चीज याद रखना है आपको, निकालते समय भी आपको प्लग को निकाल देना है, उसके बाद ऑफ ऑन करके प्लग निकालने के बाद ही इसको हम निकालेंगे एंड वापस इसको ऐसे ही रखेंगे। यही प्रोसेस हमको दूसरा इलेक्ट्रोड से करना है। ये हो गया मशरूम, ये हो गया आपका नॉन इलेक्ट्रोड्स। नॉन इलेक्ट्रोड्स का यूज क्या है, क्यों इसमें यहां तक अच्छे तरीके से गैस आती है, यानी आपको अल्ट्रावायलेट रेज आती है, लेकिन ये पतला क्यों है, इसलिए कि कान के अंदर अगर पिंपल्स है, नाक के अंदर पिंपल्स है, या कोई ऐसा जगह जो फोल्ड एरिया है वहां अगर कान के पीछे है तो ये पोर्शन एकदम इजीली एकदम अंदर तक चला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं नॉन इलेक्ट्रोड्स। सेम तरीके से हम यूज करते हैं कोम इलेक्ट्रोड। ये देखने से ही आपको पता लग रहा कि कंघी की तरह है, ये पीतल का नीचे का सरफेस होता है और इसके अंदर जो रे निकलता है वो इसके थ्रू हमारे बालों के जड़ों में देते हैं। इसमें बाल के जो भी प्रॉब्लम्स है, कैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डैंड्रफ, फॉलिंग हेयर, बाल में इचिंग, आपके बाल में बहुत आजकल सुनने में आया है कि सरकम में आपके बाल झड़ जा रहे हैं, जिसको एलोपेशिया के नाम से जाना जाता है। इसको इसके इस्तेमाल 11 से 13 इस्तेमाल में और ट्रीटमेंट साथ में आप रेगुलरली करोगे और जो घर में दिया वो प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपके बाल फिर से उग आएंगे, अगर एलोपेशिया है तो ये हो गया कोम इलेक्ट्रोड, क्योंकि दिखने में कोम की तरह है, कंघी की तरह है, इसीलिए कोम इलेक्ट्रोड। ये ऑल इन वन है, ये बॉल की तरह, छोटे से बॉल की तरह इसका आगे का मुंह है। ये हम लोग ऑल पर्पस यूज करते हैं, अगर कोई टूट गया, कोई भी इलेक्ट्रोड टूट गया तो इसको हम लोग उसके जगह प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आया, ये देखने में कैसा लग रहा है, ये देखने में वाई की तरह लग रहा है, एक्स वाई जेड वाई। वाई का इलेक्ट्रोड जो ये होता है ये इस्तेमाल करते हैं हम लोग पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड पे, स्पाइनल कॉर्ड जैसा है उस पर ये आराम से ये उसके बगल बगल ये जाएगा। दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग पेडिक्योर और मैनिक्योर में फिंगर के बीच में इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पेडिक्योर में फंगल इन्फेक्शन बहुत, लेडीज लोग का पानी के जमने के कारण फंगल इन्फेक्शन होता है, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है, इससे बैक्टीरिया फ्री हो जाता है और आपका पेडिक्योर में काफी आराम मिलता है। ये सारे जो भी है ये बहुत इफेक्टेड है, जो समुद्र किनारे आपका दाब मिलता है, यानी आपके सुबह सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्त के बाद, सूरज, समुद्र और किस चीज से, अब बोलो, सूरज, समुद्र, नहीं, और उसके बाद ये होता है कि आपका समय जैसा होता है सुबह, सूर्य उदय का पहले का समय, वो दाब अपने आप बनता है, बहुत तरह का दाब बनता है, लेकिन ये जो दाब बनता है ये इसको ओजोन रे
ये अल्ट्रा वायलेट रेस बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा कलर निकलता है? ब्लू, पर्पल, रेड, ये इसके अंदर में लोग भर के बनाया, ताकि हर कोई तो समुद्र किनारे जा नहीं सकता हर रोज का ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हम लोग को बॉक्स में इस तरह दिया है। तो थैंक यू सो मच। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, आगे कुछ जानना है, तो बार बार इस वीडियो को देखिए, और उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज संपर्क करके। लेकिन अगर आप खरीदते हो इस चीज को, तो याद रखिएगा ये हमारा एक रॉड आता है, ये स्टील या पीतल का होगा। इसमें यहाँ पे देखिए मुंह ऐसा बना हुआ, यहाँ ऐसा है। इसको हम लोग जो मुंह ऐसा बना है, छोटा मुंह बना हुआ, इसको इसके अंदर डालते हैं, प्लग को लगाते हैं, ऑन करते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको रे को चेक करते हैं। अगर ये छूने से यहाँ रे आता है, दैट मीन्स ये वाला ओके। अगर नहीं आ रहा है, बहुत छूने पर भी ऐसा करने से नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड खराब है। तो इलेक्ट्रोड चेक करने के लिए ये रॉड का इस्तेमाल होता है। थैंक यू सो मच।